दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से जीरो ऑयल किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन से भरपूर नाश्ता। लास्ट टाइम भी मैंने एक प्रोटीन का ब्रेकफास्ट बनाया था, आज थोड़ा चेंज है। और आज हम यूज़ लेंगे प्रोटीन नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, चने। हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति जानता है कि जो चना होता है वो प्रोटीन से भरपूर होता है, और प्रोटीन इम्यूनिटी में काफ़ी अहम रोल निभाता है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है वो कोरोना की चल रही है, और हर व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी का पूरा ख्याल है, तो प्रोटीन अपनी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और वो एक अहम रोल निभाता है अपनी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने में, बढ़ाने में और मजबूत करने में। तो प्रोटीन अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोटीन ब्रेकफास्ट। मैंने इंडक्शन ऑन कर दिया है और अगेन हम बिना किसी तेल के ये चीज़ें बना रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा मेरे सारे वीडियो में, मैं अधिकतर यूज़ लेता हूँ स्टेनलेस स्टील, जो कि प्रमाणित है ये किसी भी तरह से अपनी ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। बाकी आपने कितने ही सारे वीडियो देखे होंगे, कितने ही सारे कुक देखे होंगे, हर व्यक्ति नॉन स्टिक वगैरह यूज़ ले रहा है। तो आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जितने भी नॉन स्टिक बर्तन हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करते हैं, और बहुत ही सूक्ष्म लेवल से स्टार्ट करते हैं और अपने को पता ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं आपके हेल्थ के लिए आप ही के चैनल पर ये चीज़ें बना रहा हूँ, तो मैं पूरी तरह से एक एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ जिससे किसी भी तरह का ऐसा मैसेज नहीं जाए जिससे किसी को नुकसान हो। तो सबसे पहले मैं यूज़ लेता हूँ ये स्टेनलेस स्टील, ताकि ये एक हेल्दी बर्तन है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और उसके बाद मैं जो भी रेसिपी बताता हूँ वो आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, आपके न्यूट्रिशन का भी पूरा ध्यान रखता है कि कैसे अपन खाना बनाएं जिससे अपने को बेहतर न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि आज का मिलावटी समय है, हर चीज़ मिलावट की आती है, उसमें भी अपन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन कैसे ले पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ जीरे से। मैंने जीरा डाला है इसमें जो रोस्ट हो रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे ये छिटपिट करता रहता है, थोड़ा स्मोक भी आ रहा है। ये देखिए, तो हमने जीरे को रोस्ट किया है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी कटी हुई मिर्च, हरी मिर्च, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा प्याज, और इनको हम थोड़ा चलाएंगे। दोस्तों, आप ऐसा करेंगे आपको बहुत अच्छी स्मेल आएगी, खुशबू, एक एक इंग्रेडिएंट्स की खुशबू आएगी, जो जो आप चीज़ें डालते हो उसमें बहुत अच्छा खुशबू आएगा। यहाँ हमने चने लिए हैं जो कि हमने एक दिन पहले यानी रात को भिगो दिए थे, और सुबह ये तैयार हो जाते हैं। और अगर आपको जल्दी करना हो दोस्तों, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, चनों को आप उबाल बॉईल कर सकते हैं, उबाल कर इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हर एक चीज़ इसलिए यूज़ लेता हूँ, पहले इसको भिगोता कि एनर्जी सेव हो सके, आपका गैस का कंजप्शन कम हो। अगर आप इंडक्शन पे यूज़ ले रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम कम हो। तो कुल मिलाकर हम कम से कम एनर्जी में, कम से कम एफर्ट्स में एक हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट, न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट बना पाएं। ये अपना प्याज वगैरह रोस्ट हो चुके हैं, अच्छी खुशबू आ रही है, और अब इसमें ऐड करेंगे अपन ये कटे हुए टमाटर, और उसके बाद इसमें हम ये पहले से भीगे हुए चने
मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। दोस्तों अपन जो चने भिगोते हैं उसके बाद जैसे ये पानी बचता है तो आप इसको फेंकिएगा नहीं, इसमें भी काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है। आप चाहो तो इस आटा लगा सकते हो, अगर नहीं करते तो आप अपने पेड़ पौधों में इस पानी को डाल सकते हो, वेस्ट ना करिए, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होता है। तो आप चाहे तो आप यूज़ लीजिए, अगर यूज़ आप नहीं लेते हैं तो अपने पेड़ पौधों में या गमलों में डाल लीजिए, तो कम से कम ये वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, हमने चने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी मैं यहाँ पे पिंक साल्ट यूज़ लेता हूँ, यानी सेंधा नमक। ये भी हेल्दी होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हर एक चीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी भी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। थोड़ा मैंने स्वाद के लिए धनिया पाउडर डाल दिया, डाल भी सकते हैं नहीं भी डालते कोई इशू नहीं है। आज मैंने हरी मिर्च कम ली है, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। थोड़ा क्या है कि स्वाद भी अच्छा हो जाए, हेल्थ के साथ साथ भी नाश्ता ऐसा होना चाहिए ना जिसमें हेल्दी भी होना चाहिए, स्वाद भी अच्छा होना चाहिए, सारा परफेक्शन होना चाहिए, खाने वाले को मज़ा भी आना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा हिला लेता हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब क्या करेंगे अपन इसका इसको बंद कर देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे, और मिनिमम टेम्परेचर स्टार्टिंग जो टेम्परेचर होता है 88 मैंने उसी पे यूज़ लिया है। आप प्री हीट के लिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इसका टाइमर डाल रहा हूँ, 10 मिनट के लिए मैं टाइमर सेट कर देता हूँ। तो मैंने ये टाइमर सेट कर दिया है, 10 मिनट बाद अपना हेल्दी प्रोटीन से भरपूर नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अपना आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है, देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह एकदम परफेक्ट है। आप टमाटर का कलर देख सकते हैं एकदम रेड ऑरेंज है, और अब हम इसको थोड़ा हिला लेते हैं। मैंने एक चीज़ हमेशा भूल जाता हूँ मैं आपको दिखाना, कि कई बार लोग सोचते होंगे कि यार ये बनाता है नीचे चिपकता है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं चिपका है कहीं भी किसी भी तरह का, तो जलने का कोई इशू है नहीं। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देते हैं। हरा धनिया भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी अच्छा होता है, विटामिन ए अच्छा होता है, ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब हम सर्व करते हैं। सजावट के लिए इसमें थोड़ा और अपन ऐड कर सकते हैं धनिया, और हम देखेंगे आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है।